हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है टेस्ला सब में। आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, भारतीय दर्शन के बारे में, और फिर जानेंगे भारतीय दर्शन की विशेषताएं क्या क्या हैं। तो आइए दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए चालू करते हैं भारतीय दर्शन के बारे में। भारतीय दर्शन जो है, ये दर्शन दृश्य धातु से बना है। ये शब्द जो है, दर्शन शब्द दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ देखना या अवलोकन करना होता है। प्राचीन चिंतकों के अनुसार मानव को चार पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए कर्म करना चाहिए। ये पुरुषार्थ हैं अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। भारतीय दर्शन के संप्रदाय के बारे में चलते हैं। ये जो टेबल दिख रहा है दोस्तों, ये पूरा हमारे इस वीडियो का स्वरूप होगा। जैसे कि भारतीय दर्शन के अंदर में दो भाग हैं, आस्तिक दर्शन जो वेदों का प्रमाण मानते हैं, और नास्तिक दर्शन जो वेदों का प्रमाण नहीं मानते हैं। आस्तिक दर्शन में जो सिद्धांत आते हैं वो है सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक मीमांसा और वेदांत। नास्तिक दर्शन में जो सिद्धांत होते हैं, सिद्धांत जो हैं वो जैन, बौद्ध और चार्वाक के हैं। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आस्तिक दर्शन से। आस्तिक दर्शन जो है, वास्तव में वेद ही वह कसौटी है जिसके आधार पर भारतीय दर्शन के संप्रदायों का स्पष्ट विभाजन किया जा सकता है। वेद की प्रामाणिकता मानने वाले न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत माने जाते हैं। इन्हें क्षण दर्शन भी कहा जाता है। सांख्य दर्शन से स्टार्ट करते, जो पहला है आस्तिक दर्शन में। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक महर्षि कपिल मुनि को माना जाता है। इसका सबसे प्राचीन तथा प्रामाणिक ग्रंथ सांख्य कारिका है, जिसकी रचना ईश्वर कृष्णा ने की थी। सांख्य दर्शन के अनुसार जीव के बंधन का मूल कारण यह है कि पुरुष प्रकृति को अपने से अभिन्न मानने लगता है तथा बंधन में बंध जाता है। सबसे बड़ा कारण क्या है जीव के बंधन का? कि वो प्रकृति को अपने से अलग मानने लगता है। और इसको किससे दूर करना चाहिए? विवेक ज्ञान से पुरुष को प्रकृति से अपनी भिन्नता का ज्ञान हो जाता है तथा वह बंधन से मुक्त हो जाता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह है सांख्य दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण अंग। इस सांख्य दर्शन को महर्षि कपिल मुनि ने बनाया था, मतलब प्रवर्तक कहा जाता है, जो इसका प्रचार प्रसार और जो इसको लिखे थे वो महर्षि कपिल मुनि को माना जाता है। सत्कार्यवाद सांख्य का मुख्य आधार है। इसका अर्थ होता है कि कार्य अपनी उत्पत्ति के पूर्व कारण में विद्यमान रहता है। आगे चलते हैं योग दर्शन में। योग दर्शन जो है, इसके प्रणेता जो है वो पतंजलि को माना जाता है। इनकी कृति का नाम योग सूत्र है। योग दर्शन के अनुसार अष्टांग योग है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। योग दर्शन में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार किया जाता है। आगे बढ़ते हैं न्याय दर्शन की तरफ। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि हैं। इन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय है, जो इस बात का सूचक है कि यह दर्शन मुख्यतः बौद्धिक, विश्लेषणात्मक तथा तार्किक है। न्याय दर्शन का जो मूल ग्रंथ है वो गौतम कृत न्याय सूत्र है, जिस पर वात्स्यायन ने न्याय भाष्य नामक टीका लिखा है। आगे बढ़ते हैं वैशेषिक दर्शन की तरफ। वैशेषिक दर्शन जो है, ये प्राचीनतम दर्शनों में से एक वैशेषिक दर्शन है। इसके प्रणेता जो है वो कनाद मुनि माने जाते हैं। इस दर्शन में बौद्ध की विशिष्ट आस्था है।
इस दर्शन की मुख्य विशेषता बाह्य जगत की विस्तृत समीक्षा करना है, मतलब जो वर्ल्डली अफेयर्स है, जो पूरा जो संसार है उसकी, उसका विस्तृत अध्ययन करता है, विस्तृत समीक्षा करता है। इस दर्शन की मुख्य विशेषता परमाणुवाद है। आगे बढ़ते हैं मीमांसा दर्शन की तरफ। मीमांसा दर्शन जो है यह सिद्ध प्राचीनतम दर्शन में से एक है। यह दर्शन वैदिक कर्म कांड को अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इन मान्यताओं को क्रमबद्ध करने का श्रेय महर्षि जैमिनी को जाता है। मीमांसा दर्शन के प्रणेता कौन है? महर्षि जैमिनी। मीमांसा दर्शन का मानना है कि दोष रहित कारण सामग्री के पर्याप्त होने पर जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह यथार्थ ज्ञान है। जो ज्ञान और जो हम एक्सपीरियंस करते हैं अगर वो दोष रहित होता है, जिसमें कोई भी मतलब एरर नहीं होता, कुछ भी दोष नहीं होता, वो पर्याप्त हो जाने के बाद वही यथार्थ ज्ञान, मतलब वही सच्चा ज्ञान है। ज्ञान की प्रामाणिकता ज्ञान की उत्पादक सामग्री में ही विद्यमान रहती है। ये मीमांसा दर्शन का मुख्य भाग है। अब चलते हैं वेदांत दर्शन की तरफ। वेदांत दर्शन जो है भारतीय दर्शन का चरमोत्कर्ष वेदांत में उपलब्ध है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट दर्शन है वेदांत दर्शन। इस दर्शन को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं। वेदांत शब्द का अर्थ उपनिषद भी है, क्योंकि उपनिषदों की संख्या बहुत अधिक होने के कारण बादरायन व्यास ने वेदांत दर्शन का आविर्भाव किया था। कितनी है संख्या उपनिषदों की, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं जिसको भी याद हो। उपनिषदों के अलावा वेदांत दर्शन भगवद गीता पर भी आधारित है। गीता जन्म कर्म व भक्ति को मोक्ष का साधन माना जाता है। जो वेदांत दर्शन है इसमें कुछ वाद हैं और इसके संस्थापक हैं। तो सबसे पहला वाद है अद्वैतवाद, जिसके संस्थापक शंकराचार्य हैं। दूसरा है द्वैतवाद, जिसके संस्थापक माधवाचार्य हैं। तीसरा शुद्धाद्वैतवाद एवं पुष्टि मार्ग है, जिसके संस्थापक वल्लभाचार्य हैं। विशिष्ट द्वैतवाद के संस्थापक रामानुजाचार्य हैं। द्वैत अद्वैतवाद के संस्थापक निम्बकाचार्य हैं और वर्करी पंथ के संस्थापक तुकाराम हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, ये टेबल सबसे इम्पॉर्टेंट है वेदांत दर्शन का, क्योंकि बहुत एग्ज़ामों में ये पूछा जा चुका है अलग अलग वादों के और संस्थापकों के बारे में। तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, मतलब इसको कुछ ट्रिक्स लगा कर, मतलब अपने तरीके से किसी भी तरीके से इसको याद करिएगा। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरे भाग की तरफ आते हैं भारतीय दर्शन में, जो कि है नास्तिक दर्शन। नास्तिक दर्शन वे दर्शन है जो वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार करते हैं, उन्हें नास्तिक दर्शन कहा जाता है। इस प्रकार के दर्शन में बौद्ध, जैन तथा चार्वाक दर्शन शामिल हैं। बौद्ध दर्शन, बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी दर्शन है, मतलब इसमें ईश्वर का कहीं भी उल्लेख नहीं है। महात्मा बुद्ध से जब भी ईश्वर के बारे में पूछा जाता था वह सदा मौन रहते थे। इस दर्शन में अनात्मवाद का प्रतिपादन किया गया है। अनात्मवाद का आशय आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना नहीं, बल्कि इसका आशय है कि आत्मा प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील है, मतलब आत्मा हर समय बदलती रहती है, मतलब अपने आप में परिवर्तन होती रहती है, परिवर्तित होती रहती है। बौद्ध दर्शन क्षणिकवाद में विश्वास रखता है, मतलब हर क्षण आत्मा का रूप बदलते रहता है और अपने अस्तित्व को हर लम्हे में वो बदलते रहता है, प्रत्येक क्षण परिवर्तनशील रहती है आत्मा। ये बौद्ध दर्शन का मुख्य बिंदु है। आगे बढ़ते हैं जैन दर्शन की तरफ। जैन दर्शन जो है वो, इसमें ज्ञान के तीन स्रोत माने गए हैं, जो प्रत्यक्ष, अनुमान तथा तीर्थकरों के वचनों से जुड़ा हुआ है। संस्कृत में तत्वार्धिगम सूत्र अत्यंत महत्वपूर्ण जैन दर्शन का ग्रंथ है।
जैन एवं बौद्ध मत में वेदों के प्रति अनास्था, कर्म कांडों की निस्सारता तथा अहिंसा के विचार समान हैं। मतलब कई बिंदु ऐसे हैं बुद्ध और जैन दर्शन में कि वो एक जैसे ही लगते हैं। मतलब इसमें जो अहिंसा के विचार हैं, वेदों में जो अनास्था है, कर्म कांडों की जो निस्सारता है, जो ये नहीं मानते हैं, वो लगभग लगभग एक समान ही है। अब आखिरी दर्शन की तरफ आते हैं, नास्तिक दर्शन में चार्वाक या फिर लोकायत दर्शन। यह एक भौतिकवादी दर्शन है जिसके प्रवर्तक बृहस्पति है। याद रखिएगा, चार्वाक या लोकायत दर्शन के प्रवर्तक कौन है? तो वो बृहस्पति है। यह दर्शन प्रारंभिक उपनिषदों के बाद के काल में लोकप्रिय हुआ है। इसका सबसे सशक्त दार्शनिक चार्वाक को माना गया है। सबसे सशक्त मतलब सबसे महत्वपूर्ण जो दार्शनिक है वो चार्वाक हैं, जिनके नाम पर इसे चार्वाक दर्शन कहा जाता है। इस दर्शन में लोक जीवन और समाज को काफ़ी महत्व दिया गया है, अतः इसे लोकायत दर्शन भी कहा जाता है। अब आगे चलते हैं भारतीय दर्शन की विशेषताओं के बारे में। भारतीय दर्शन की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं, जैसे कि कर्म नियम में विश्वास रखना। कर्म नियम में विश्वास चार्वाक दर्शन को छोड़कर सभी दर्शन जो है कर्म नियम में विश्वास रखते हैं। दूसरा है आत्मा की शक्ति में विश्वास रखना। चार्वाक दर्शन को छोड़कर सभी भारतीय दर्शन आत्मा की सत्ता में विश्वास करते हैं। तीसरा है प्रमाणों की महत्ता। भारतीय दर्शन में यथार्थ ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनेक साधनों को स्वीकार किया गया है। इन्हीं साधनों को प्रमाण कहते हैं, और यही प्रमाण जो है किसी विषय का वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हैं। चौथा है आत्मसंयम पर बल। भारतीय दर्शन मानव जीवन को परिमार्जित करने के लिए आत्मसंयम का बल देते हैं। आत्मसंयम का तात्पर्य है राग, द्वेष, वासना आदि का त्याग करना। दर्शन धर्म तथा नैतिकता का समन्वय करता है। भारतीय दर्शन में धर्म तथा नैतिकता एक दूसरे से मिले हुए हैं तथा नैतिकता को ही हम धर्म के रूप में स्वीकार करते हैं। और आखिरी है जो विशेषता है भारतीय दर्शन की, वो है पुनर्जन्म में विश्वास रखना। चार्वाक को छोड़कर सभी भारतीय दार्शनिक पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं। तो ये था दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण भारतीय दर्शन, मतलब लगभग पूरा दर्शन हमने इस वीडियो में कवर किया है, और आगे ही ऐसे वीडियोस हम लाते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।